नमस्कार किसान भाइयों, आपका अपना यूट्यूब चैनल किसान साथी में हार्दिक स्वागत है। आप अगस्त में गाजर की खेती करने की सोच रहे हो तो वीडियो में अंत तक बने रहें। गाजर की उन्नत किस्में कौन सी होती है, गाजर की उन्नत खेती कैसे और कम लागत में गाजर की खेती से अधिक मुनाफा कैसे प्राप्त करेंगे, गाजर की खेती की संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को आपको अंत तक पूरा देखना है। किसान भाई, अगर गाजर की खेती आसानी से कम लागत में करना चाहते हैं तो गाजर की मांग बाज़ार में हर समय बनी रहने के कारण गाजर की खेती में मुनाफा भी काफ़ी अच्छा कमाया जा सकता है। आपको गाजर की खेती के लिए सभी जानकारी होना चाहिए, तभी आप अच्छा मुनाफा कमा सकोगे। गाजर की खेती के लिए आवश्यक तापमान होना एक अहम पहलू है। गाजर की अच्छी किस्म के बीज उगाएँ ताकि गाजर की खेती से बढ़िया पैदावार प्राप्त हो सके। गाजर की खेती ठंडे मौसम में करनी चाहिए। गाजर की अच्छी क्वालिटी और रंग प्राप्ति के लिए अच्छे बीजों का होना बहुत ज़रूरी है। गाजर की खेती करने के लिए 12 डिग्री से 25 डिग्री तापमान तक होना चाहिए। गाजर की खेती करने के लिए गहरी भूरभुरी एवं हल्की दोमट मिट्टी होनी चाहिए, जिससे गाजर का विकास सही ढंग से हो सके। भूमि का पीएच मान 6.5 होना चाहिए। अच्छी पैदावार लेने के लिए भूमि में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इसकी बिजाई करने से पहले 2 से 3 बार गहरी जुताई करके अच्छी तरह से समतल कर लेना चाहिए। मिट्टी के टीलों को तोड़ने के लिए पाटा लगाएं। की सड़ी हुई गोबर खाद को मिट्टी में डालकर अच्छी तरह से मिलाकर खेत को तैयार कर लेना चाहिए। गाजर की 2 किस्में को उगाकर आप अच्छी पैदावार कर सकते हैं। लिए एशियन किस्में, जिसकी बुआई अगस्त से सितंबर महीने के बीच में करनी चाहिए। दूसरी है यूरोपियन किस्में, जिनकी बुआई अक्टूबर से नवम्बर महीने में करनी चाहिए। गाजर की खेती 1 हेक्टेयर में करने के लिए 10 से 12 किलो के बीज की आवश्यकता होती है। गाजर की अच्छी पैदावार व बढ़िया गुणवत्ता की गाजर प्राप्त करने के लिए गाजर की बिजाई हल्की डोलियां बनाकर करनी चाहिए। गाजर की बुआई करते समय डोलियों के बीच 30 से 45 सेंटीमीटर तक का फासला रखना चाहिए। गाजर के एक पौधे से पौधे की दूरी 6 से 8 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। हमेशा डोलियों की चोटी पर 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर गाजर के बीजों को बोना चाहिए। बढ़िया पैदावार व मुनाफे कमाने के लिए खाद एवं उर्वरक पर्याप्त मात्रा में दें। गाजर की खेती के लिए खेत की तैयारी करते समय आपको पशुओं की गोबर खाद डालकर जुताई करनी चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश को अच्छे से मिक्स कर बिजाई के समय खेत में डाल दें। गाजर की बिजाई करने के बाद 20 किलो नाइट्रोजन 3 से 4 सप्ताह के बाद गाजर की खड़ी फसल में मिट्टी चढ़ाते समय जरूर डाल देना चाहिए। गाजर की खेती को सिंचाई 5 से 6 बार आवश्यकता होती है। जब भी आप गाजर की बिजाई कर रहे हो और मिट्टी में नमी की मात्रा कम हो तो गाजर की बिजाई करने के तुरंत बाद ही सिंचाई शुरू करना जरूरी है। दूसरी हल्की सिंचाई बिजाई के 3 से 5 दिनों के बाद कर सकते हैं। गाजर की खेत की सिंचाई 10 से 15 दिनों के अंतराल में करते रहना चाहिए। खरपतवार को रोकने के लिए गाजर की खेती में 2 से 3 बार निराई गुड़ाई हाथों से करनी चाहिए। बुआई के 1 महीने बाद मिट्टी चढ़ाने का कार्य करना चाहिए, जिससे गाजरों के पौधे अच्छी तरह से ढके रहे। इसे खरपतवार का रासायनिक दवाओं के द्वारा भी नियंत्रण किया जा सकता है। डीमेथिलीन 30 EC की 3 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी की मात्रा में घोलकर गाजर की बुआई करने के 48 घंटों के अंदर छिड़काव कर दें, जिससे आप खरपतवार पर अधिक से अधिक नियंत्रण पा सकते हो। गाजर की खेती में एक बीमारी सबसे ज़्यादा को देखने को मिलती है, जिसका नाम है अल्टरनेरिया ब्लाइट। यह बीमारी गाजर की खेती को जाने पर पौधों की पत्तियों पर पीले रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं, कई बार तो धारियां भी दिखाई देने लगती है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए गाजर की फसल पर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टर के हिसाब से करना चाहिए। गाजर की खुदाई का समय गाजर की किस्म पर निर्भर करता है। अगर आपने गाजर की एशियन किस्म की बुआई की है तो 100 से 130 दिनों के बाद गाजर की खुदाई करना उचित है। एवं गाजर की आपने यूरोपियन अगर आपने गाजर की यूरोपियन किस्म की बुआई की हो तो 60 से 70 दिनों के बाद गाजर की खुदाई के लिए तैयार हो जाती है। गाजर की पैदावार उगाई की जाने वाली किस्म पर निर्भर करती है। औसतन पैदावार की बात करें 220 क्विंटल से 225 क्विंटल प्रति हेक्टर पैदावार हो जाती है। अगर आपको गाजर की खेती कैसे करें की जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। गाजर की खेती करने को लेकर आपके किसी भी तरह के कोई सवाल तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, हम जल्दी आपके सवालों का जवाब देंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान पर दबाएं। धन्यवाद।